इसने बड़े कमाल की बात कही है कि हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक वेटर की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम चंदन था, जो लाइफ में हाईएस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जी रहा था। उसे जब भी पूछो कि क्या हाल है तो कहता था बहुत अच्छा हूं, थोड़ा सा और अच्छा होता तो शायद मेरे जैसा एक और जुड़वा होता। वो इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता। उसे काफी लोग कहते थे तुम वेटर का काम करते हो तुम्हें नहीं लगता है कुछ और करना चाहिए। वो कहता मुझे मजा आता और मैं वही काम करता हूं जिसमें मजा आता। लोगों की बातों पर कम ध्यान देता था, अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देता था। वो एक अलग अप्रोच के साथ में आगे बढ़ता था। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हो गई। जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था उस दिन वो अकेला था और पीछे का दरवाजा लगाना भूल गया। पीछे के दरवाजे से चोर घुसा है, चार पांच लोग बंदूक लेकर के आ गए, बंदूक इस पर तान दी और इसे कहा कि जो तिजोरी है उसको खोलो, तिजोरी में से माल लेके जाएंगे। चंदन जानबूझकर के गलत पासवर्ड डालने लगा। डर रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन गलत पासवर्ड डाल रहा था, वो खुल नहीं रही थी। और चोरों को मालूम था कि इसको मालूम है, क्योंकि रेस्टोरेंट में सबसे वफादार है मालिक का, इसको मालूम है कि पासवर्ड क्या है, ये बता नहीं रहा। चोर और गुस्सा करने लगे, गाली देने लगे, लेकिन वो डर डर के बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा था। चोरों में से एक जो था उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने तुरंत गोली मार दी। गोली जाकर के सीने में लगी और चंदन बेहोश जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा कि मरी गया। चोर डर करके भाग गया कि पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर के बाद में उस रेस्टोरेंट में जो बाकी लोग काम करते थे वो आए, उन्होंने देखा कि चंदन जमीन पर है, गोली लगी हुई है, समझ गए कि कोई घुस आया था। उठा करके उसे अस्पताल ले गए। 20-22 घंटे तक ऑपरेशन चला और डॉक्टर्स ने फाइनली चंदन की जान बचा ली। 2-3 महीने तक इलाज चला और उसके बाद चंदन को डिस्चार्ज कर दिया गया। चंदन जब घर पर आराम कर रहा था तो उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक आया और उसने पूछा कि चंदन कैसे हो। चंदन ने कहा मैं बहुत अच्छा हूं, थोड़ा सा और अच्छा होता तो मेरे जैसे एक और होता, जुड़वा होते हम। जो मालिक था उसने कहा इतना सब तुम्हारी लाइफ में हो गया और तुम अभी भी उसी मुस्कान के साथ बोल रहे हो। चंदन ने कहा सर मालूम है क्या, उस दिन जब मुझे रेस्टोरेंट में गोली मारी चोरों ने, मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। मेरे पास में दो ऑप्शन थे, या तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाता या फिर लड़ाई लड़ता और वापसी करता। मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना। आपको मालूम है जब मुझे अस्पताल ले जाया गया मुझे हल्का हल्का होश आ गया था। मुझे डॉक्टर्स दिख रहे थे, नर्सेस दिख रही थी, ऑपरेशन थिएटर में था मैं और वो डरे हुए थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो मेरा ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे, उन्हें घबराहट थी कि कहीं मर ना जाए। नर्स ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या तुम्हें कोई एलर्जी है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा किससे, तो मैंने कहा गोली से, बंदूक की गोली से। और जब मैंने बोला तो समझने लगे और मैंने उनसे कांपती सी आवाज में कहा कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जीना चाहता हूं, मुझे जिंदा रखो। मेरी इस बात ने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वापसी कर पाया, बहुत अच्छा उन्होंने इलाज किया, शायद इसीलिए मैं जिंदा बच पाया। लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंस को खोने नहीं दिया सर। जिंदगी में आप कैसे रिएक्ट करते हैं जिंदगी यही है। ऐसा लगा जैसे चंदन ने अपने बॉस को नहीं बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखाई है कि लाइफ में आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, लाइफ आपकी परीक्षा लेती रहेगी। ये अलग अलग सिचुएशंस को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, लाइफ वो है। ये छोटी सी कहानी बस ये सिखाती है कि लाइफ में हाईएस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। चाहे जो हो जाए ये मान के चलिए कि अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।